हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी छात्र देखें, हमको यदि यहाँ तीन दिए हुए फंक्शन आप देखेंगे ग्राफ में कि एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट फंक्शन, इनके लिए हमने तीन सेपरेट डायग्राम बनाए हुए। तो कंडीशन क्या दी हुई है, यदि हम x एक्सिस पर यदि x1 पॉइंट लेते हैं और x2 पॉइंट लेते हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन पर यहां पर हमको क्या मान मिलेगा, fx1, और x2 पॉइंट पर हमको क्या मिलेगा, fx2। तो इंक्रीजिंग केस में यदि x1 लेस देन x2 है, दिस इंप्लाई fx1 लेस देन fx2। क्लियर, यहां हमको दिख रहा है कि बढ़ते क्रम में फंक्शन का मान भी ज्यादा होता है और x1 चूंकि स्मॉल वैल्यू है तो इसमें इमेज भी इसकी स्मॉल है। अब हम इस दूसरे केस में देखते हैं कि हमने x एक्सिस में यदि x1 पॉइंट लिया और यह x2 पॉइंट लिया, तो यहां पर आपका है fx1 और यहां पर fx2। तो यहां पर हम देखते हैं कि x1 लेस देन x2 परंतु fx1 ग्रेटर देन fx2, तो यह कौन सा केस कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग यानी ह्रास मान, और कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, x1 और x2 दोनों पर इसके मान जो है कांस्टेंट है। एफ एक्स वन इक्वल टू सी और एफ एक्स टू इक्वल सी, सभी वैल्यूज पर इसके मान फिक्स रहते हैं, इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को हम डेरिवेटिव के रूप में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो इसमें कंडीशंस है, यदि फंक्शन डिफरेंशियबल है और यदि उस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो क्या कंडीशन, पहली यदि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग। और दूसरी कंडीशन क्या दी है, एफ डैश एक्स निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन। और तीसरी कंडीशन है कि एफ डैश एक्स इक्वल जीरो, तो फंक्शन अचर है, अचर मतलब कांस्टेंट। तो ये हमने डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का यूज करके हम इस चीज को चेक कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 6.2 में देखते हैं कि हमको यस दिखाना है कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, इसका हम अवकलन करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3, और 3 जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब एफ फलन वर्धमान फलन है, वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक्स के सभी मानों के लिए हम नेक्स्ट पर आते हैं।
अब हम देखते हैं कि यहां पर हमको एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है e की पावर 2x, तो हम इसको अवकलन करते हैं एफ डैश एक्स, तो इसका मान आ जाएगा 2 e की पावर 2x, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि साइन एक्स वैल्यू दी हुई है, तो इनके साथ अलग अलग कंडीशन है, तो सबसे पहले हम थर्ड का ए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल कॉस एक्स। तो पहली कंडीशन में देखते हैं कि 0 to π/2 में कॉस एक्स धनात्मक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ वर्धमान फलन होगा, फलन। दूसरे केस में देखते हैं कि π/2 to π इंटरवल में कॉस एक्स ऋणात्मक है, तो एफ हासमान फलन है, डिक्रीजिंग। और तीसरा केस है जीरो टू पाई केस में, तो जीरो टू पाई केस में क्या होगा कि आप देखेंगे ये जीरो है और ये π/2 है और ये पाई है, तो यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर कैसा है पॉजिटिव और यहां पर निगेटिव है, तो दोनों केस में हम देखते हैं कि ना इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इस केस में आपको ग्राफ जो है आपको इस तरह से मिलेगा, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, ठीक है। तो तीनों केस हमने यहां दिखा दिए। हमको इस केस में फलन अगर कंडीशन दी हुई है तो उसमें हमको अंतराल ज्ञात करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां दिया हुआ है आपका एफ एक्स इक्वल 2x² - 3x, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे 4x - 3। अब हमको पहली कंडीशन दी है कि एफ वर्धमान है, तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल 4x - 3 पॉजिटिव। इस केस में क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3/4। x ग्रेटर देन 3/4, तो यहां पर हमको जो अंतराल मिलेगा, अंतराल कैसा मिलेगा, x की वैल्यू 3/4 से प्लस इन्फिनिटी तक, आप इस अंतराल में जो भी वैल्यू लेके चलेंगे उसके लिए इंक्रीजर रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, f हासमान है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स निगेटिव 4
4x माइनस 3 लेस देन 0, x लेस देन 3/4। तो हमको यहां अंतराल क्या मिलेगा आपको कि x की वैल्यू 3/4 से कम हो, तो यहां पर माइनस इंफिनिटी टू 3/4, 3/4 अप टू ले सकते हो, क्लियर, यह अंतराल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं, इनको करके देखें और कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे पूछें। ओके, थैंक यू।